जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। आज हम दूसरे थिस्सलुनीकियों के आखिरी अध्याय के आखिरी तीन पदों को देखेंगे और इस तरह हम पहली और दूसरी थिस्सलुनीकियों की इन किताबों का अध्ययन को पूरा कर रहे हैं। आखिरी पद को पढ़ने से पहले मैं इन दो अद्भुत किताबों के विषय में के बारे में आपसे एक संक्षेप में कुछ कहना चाहूँगा, उन सच्चाइयों के बारे में जो इन दो किताबों में हमने देखी। यह दोनों पत्र एक वास्तविक बढ़िया जीवन जीने के बारे में है, वो जीवन जो परमेश्वर एक विश्वासी से चाहता है, एक वास्तविक जीवन, एक वास्तविक विश्वास वाला जीवन, वास्तविक प्रेम दूसरों के लिए, वास्तविक काम करने वाला जीवन, वास्तविक आशा, एक वास्तविक जीवन विश्वास प्रेम और आशा से भरपूर। ऐसा जीवन जीने की क्षमता हमारी क्षमता पर आधारित नहीं है, पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है। यह बार बार हमें इन दोनों किताबों में देखने को मिला। हमने देखा वास्तविक प्रेम दूसरों के लिए, वो प्रेम जो खुद को दूसरों के लिए दे दे, कई बार साहसी तरह से, और वो प्रेम जो खुद को दे दे उन लोगों के लिए जो अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। यह दो पुस्तकें, ये दो पत्र वास्तविक पवित्र जीवन जीने को लेकर हैं, व्यावहारिकता के साथ अपने हाथ से काम करते हुए, व्यावहारिक तरह से जीवन में प्रभाव छोड़ते हुए, काम जो आप करते हो उसे परमेश्वर को की महिमा देते हुए। और इन पुस्तकों में बाइबल की अन्य पुस्तकों की तुलना में सबसे अधिक वास्तविक आशा के बारे में है। और पौलुस इस विषय में बार बार आता है, कैसे आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इंतजार करेंगे। वह कहता है हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारा जीवन होना चाहिए एक प्रत्याशा का, अपेक्षा का, इंतजार का, प्रभु के आगमन की ओर देखते हुए। और यह सब दिमाग में रखते हुए आइए मैं आपको आखिरी तीन पद पढ़कर सुनाता हूँ दूसरे थिस्सलुनीकियों के। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ, हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है, मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। इन तीन पदों में पौलुस तीन बहुत ही सामान्य सी बातें कह रहा है जो सब कुछ बदल सकती हैं। सामान्य तो हैं पर सब कुछ बदल सकती हैं। वो बात करता है शांति के बारे में, नमस्कार के बारे में, अनुग्रह के बारे में। और आज हम इन तीनों पर ही चर्चा करेंगे। पहले वह कहता है शांति। प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। यह कहता है, बताता है हमें कि कोई भी समय ऐसा नहीं, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जब मेरे पास शांति ना हो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एक वास्तविक जीवन की, एक असली जीवन की, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मेरी परिस्थितियां ही प्रतिकूल हैं, कठिन हैं, ऐसे में मैं शांत रहूं, यह वास्तविक नहीं लगता। अगर मैं नकली शांति का दिखावा करता हूँ तो यह वास्तविक जीवन नहीं है। और आपकी सोच बिल्कुल सही है, परंतु यह पद याद दिलाता है कि परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा यही है कि हम हर समय शांति से रहें, हर समय और हर तरह से। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 16 में कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातना मिली, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। इस तरह की शांति के बारे में पौलुस यहां बता रहा है, असली शांति, दिखावे वाली शांति नहीं। तो ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि जब सब कुछ ठीक है। सच्चाई तो यही है कि इस संसार में यातनाएं हैं, कष्ट है, तकलीफ है। यीशु ने खुद कहा, तो अपने आप से झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविक शांति यही स्वीकारने में है कि परिस्थितियां सही नहीं हैं, जब तक ये संसार में है यातनाएं हैं, कष्ट है, पर हमारे साथ यीशु मसीह है। तो साहस रखिए क्योंकि यीशु ने इस जगत पर विजय पाई है। हो सकता है आसपास देखकर मुझे ऐसा ना लगे, पर सच्चाई तो यही है। तो आप हर स्थिति में कैसे शांति पाते हैं? यीशु ने कहा है मेरे अंदर, मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। और यहां दो थिस्सलुनीकियों में पौलुस कहता है प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा शांति दे। प्रभु की, परमेश्वर की उपस्थिति है जो शांति उत्पन्न करती है। शांति कोई दर्शन नहीं है, यह एक रिश्ता है। और भी अधिक महत्वपूर्ण, शांति कोई मानसिकता नहीं है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग या एटीट्यूड नहीं है, यह एक रिश्ता है। जब मेरी शांति कहीं खो जाती है
जब मुझे अपने जीवन को लेकर चिंता होती है, घबराहट होती है, तो अलग प्रकार से सोचने से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा कि अपनी थिंकिंग बदलो, अपनी कुछ नहीं होगा सकारात्मक सोच से। जब मेरी शांति खो जाती है तो मुझे केवल यह करना है, प्रभु यीशु के रिश्ते पर निर्भर होना है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आप शांति पा सकते हो, आप शांति पा सकते हो। समस्या के हल में शांति नहीं है, मेरे सकारात्मक सोच में शांति नहीं है, शांति केवल यीशु मसीह के साथ रिश्ते से आ सकती है, शांति हर समय और हर तरह से। और दूसरी बात, इन तीन पदों में पौलुस एक साधारण से नमस्कार बोल रहा है, और यह हमें याद दिलाता है कि उसने यह पत्र किससे लिखवाया था, और अंत में यह तीन पद वो खुद लिख रहा है अपने हाथों से, और यह इस बात का प्रमाण है कि यह पत्र उसी ने लिखा, उसी ने लिखवाया। अब हमें यह सटीकता से तो नहीं पता, परंतु पौलुस अपने पत्रों को किसी से लिखवाता था, किसी और से, हो सकता है यह रीत हो उस समय की। पर दूसरे पत्र में हमें जिक्र मिलता है कि उसे कोई तकलीफ थी शायद से, जिस कारण से वो खुद लिखना नहीं चाहता था, दूसरों से लिखवाता था। वो कुछ कहते हैं कि उसे आंखों का कोई रोग था, कुछ कि उसके हाथ कांपते थे, कुछ भी हो, पर पौलुस को खुद लिखने में कुछ तो समस्या थी। गलातियों के पत्र में वह कहता है, देखो मैंने तुम्हें स्वयं अपने हाथों से कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे पूरा पत्र किसी से लिखवाना और अंत में नमस्कार खुद लिखना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज भी तो लोग यही करते हैं। बॉस अपनी सेक्रेटरी चिट्ठियाँ लिखवाते हैं, वो टाइप करके देती है, वो सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं। हाँ, पर मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप यह समझे कि प्रेरित पौलुस कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं था, उसमें दुर्बलताएं थी, उसमें खामियां थी, और पवित्र आत्मा ने इस खामी भरे दुर्बल मनुष्य को इस्तेमाल किया अपना सिद्ध वचन हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे त्रुटिपूर्ण मनुष्य को अपनी पूर्णता और उत्तमता उसके माध्यम से प्रकट करते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप शायद मरियम को भूल रहे हैं। उत्तमता से परिपूर्ण यीशु मसीह, सिद्ध यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में मनुष्य के रूप में एक दुर्बल और त्रुटिपूर्ण लड़की मरियम से आया। वैसे ही वचन भी उत्तमता से परिपूर्ण सिद्ध है, जिसमें परिवर्तन लाने की असीम सामर्थ्य है, और यह वचन पौलुस और कई उन दुर्बल व्यक्तियों के माध्यम से आया। तो इस नमस्कार में जो पौलुस ने खुद अपने हाथ से लिखा, उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य और प्रेम दिखाई पड़ता है, जो दुर्बल मनुष्य को अपने सिद्धता प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको लगता है कि एक अच्छा जीवन जीने में आप असमर्थ है, आप में सामर्थ्य नहीं है आपके पास, क्योंकि आप दुर्बल हो, आप में कई खामियां हैं, तो बधाई हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपकी दुर्बलता में ही प्रभु की सामर्थ्य और प्रेम प्रकट होते हैं। और तीसरी बात जो पौलुस लिखता है, अंत में हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, यह पौलुस के सभी पत्रों का साधारण सा अंत है, और यह इतना साधारण है कि अक्सर हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, पर अगर बाइबल में कुछ बार बार कहा गया है, आता है, तो वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पौलुस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। पौलुस का पूरा जीवन अनुग्रह पर निर्भर था, उसने अनुग्रह का अनुभव खुद अपने जीवन में किया था, वह चाहता था कि सब कोई इस अनुग्रह का अनुभव करे, वह चाहता था कि लोग परमेश्वर का अनुग्रह पाए, पर इतना ही नहीं, वह चाहता था कि उस अनुग्रह को लोग अपने जीवन में जिए भी। इसलिए पौलुस यह नहीं कहता कि तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को स्वीकारो, उसका अनुभव करो, वह कहता है शब्दों पर ध्यान दीजिए, अनुग्रह तुम सब पर होता रहे निरंतर आपके साथ रहे। तो प्रश्न यह है, क्या आप अपने अनुग्रह को आपने सिर्फ स्वीकारा है केवल उद्धार के लिए, और फिर खुद से एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप उसके अनुग्रह पर निर्भर हो हर रोज, हर वक्त, निरंतर? याद रखिए, आप सब, मैं और आप, हम सब उसके अनुग्रह के प्रमाण हैं। उसके अनुग्रह के कारण ही आज परमेश्वर से हमारा एक व्यक्तिगत संबंध है, और हम सब उसके अनुग्रह पर ही निर्भर हैं। आज जब हम प्रार्थना करेंगे, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा शांति के लिए, सच्चाई के लिए और अनुग्रह के लिए। प्रभु, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो मेरे को सुन रहा है पर अशांत है, चिंताओं से घिरा हुआ है, शायद
रात को ठीक से सोने भी नहीं पाता। तो मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसके मन में शांति आए, उसे समझने में मदद कर कि तू है उसका शांतिदाता, तू सच्चा है और उसकी परिस्थिति में तू उसके साथ है। पूरी तरह वह तेरे पर निर्भर रह सकता है, तेरी सामर्थ उसकी दुर्बलताओं में काम करती है। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी सच्चाई को तूने मेरे जीवन में, लोग मेरे जीवन में देखने पाए, तेरी सच्चाई को मुझे देखने मुझ में देखने पाए। और धन्यवाद देता हूँ कि तेरे अनुग्रह के, तेरे अनुग्रह के बिना मैं तुझे नहीं जान पाता, तेरे अनुग्रह के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता था। यह कि तेरे साथ मैं तेरी महिमा में रहूँगा, यह तेरा अनुग्रह है। और प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे, निरंतर निरंतर तेरा अनुग्रह रहे, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन को, मेरे निर्णयों को मार्गदर्शन दे। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अब जब आज हम इस किताब का अध्ययन का समाप्त कर रहे हैं, मैं एक दूसरी बाइबल की किताब के साथ आपसे पुनः मिलूंगा नए वर्ष 2023 में। तब तक आपने अगर दूसरी किताबों का अध्ययन मेरे साथ नहीं किया है तो जिनका किताबों का मैं अध्ययन कर चुका हूँ उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रखे हैं, आप उनका अध्ययन कीजिए और जीवते परमेश्वर के जीवते वचन को अपने जीवन में काम करने दीजिए। आपका नव वर्ष मंगलमय हो और प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसकी सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण हो। हम जल्द वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।